धुआं जो एक घर से उठ रहा है ना पूरे शहर पे छाए तो कहना। आवाम को जोहार, सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, तस्वीर झारखंड के धनबाद की है। आप सभी पूछ रहे थे कि विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर क्या होने वाला है, तो धनबाद की तस्वीर साफ हो गई है। राज सिन्हा जी दोबारा आ गए हैं, विधायक बन गए हैं, जनता जश्न मना रही है, लोग हैं भाजपा से जुड़े हुए, उनसे जानना चाहूंगी कितने खुश हैं। सर क्या नाम हुआ? नरेश पंडित। कैसा लग रहा है राज जी दोबारा राज करने के लिए आ गए? अच्छा लग रहा है, हम लोग पार्टी का ही है, समर्पित समय करता है। लगा था कि ये होने वाला है पहले से? बिल्कुल बिल्कुल लगा था। तो जीत की तैयारियां कब से कर रहे थे सर? हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, सीट हम लोग को जाना ही वाला नहीं धनबाद, किसी का ताकत नहीं कि जो भाजपा को। अजय जी जो है, जनता जो है, उनको क्यों नहीं वापस करना चाहिए? उनको वापस क्या करेगा, वो तो वो अगले बार चुनाव लड़े 10 बरस के बाद वो दिल्ली चले गए, और दिल्ली से आने के बाद फिर चुनाव लड़ेंगे तो जनता कितना उनका मदद करेगा जी, इसलिए जनता मदद करने के मूड में नहीं थे। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, मथुरा में तो जो है वो जीत रहे हैं टुंडी से, वहाँ बीजेपी पीछे, लेकिन तारा देवी जो है वो भी पीछे रह गई है, कई सीट पर भाजपा जो है अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। इस बार क्या चुनाव और बार की तरह बहुत अलग था क्या? कुछ अनोखा था, दिलचस्प था मुकाबला? दिलचस्प तो था जी, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए जहाँ पे जी। बागमारा से सर शत्रुघ्न में तो आगे हैं, उम्मीद था? हाँ उनका तो उम्मीद था, उम्मीद था। झरिया भी उम्मीद था और सिंदरी भी उम्मीद था हम लोगों को। झरिया में बार बार पूर्णिमा जी कह रही थी कि हम ही वापस आएंगे, जनता काम से खुश है ना, जनता नकार क्यों थी सर? क्या हुआ, वजह लग रही है? काम नहीं किया है बढ़िया, काम नहीं किए हैं। तो रागनी जी जीती है तो पूरे खुशी लग रही है मन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संभाल लेंगे। झरिया जैसे बहुत मतलब एकदम सेंसिटिव सीट है, उसको संभाल लेंगे मैडम? बिल्कुल बिल्कुल संभाल लेंगे। कितने खुश है सर? बहुत खुश। तो राज जी पे ही उम्मीद था? तो जनता जो है वापस क्यों दोहरा रही है? राज जी की ऐसी खासियत है जो जनता इतना पसंद कर रही है? बढ़िया काम किया तो बढ़िया, वो सब चाहेगा ना जी। शत्रुघ्न मैं तो अभी बागमारा से आगे चल रहे हैं, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा कि वो भी आगे चल रहे हैं, मालूम है ना। लेकिन सिंदरी से जो है तारा देवी पीछे हो गए, क्या कारण लग रहा है सर? हम लोग पार्टी पुलिस तो है नहीं जी, तारा देवी बीजेपी की ही है, नहीं कर पाई अच्छा परफॉर्म। तो अभी आप लोग डांस सब किए हैं, लड्डू खाए? लड्डू खाए। तो राज जी जब आएंगे तो मिलना है ना, इंतजार करिएगा ना, पूरा इंतजार करिएगा। आप देख रहे हैं लोग हैं लगातार, लाइव इंडियन गार्ड आपको तस्वीर दिखला रहा है, बहुत सारे लोग हैं भाजपा समर्थक हैं, कुछ और भी लोग जुड़ गए हैं, पटाखे जो हैं इस ओर भी बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं, कब कौन धमाका कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सर क्या नाम हुआ? श्रीनिवास। कैसा लग रहा है राज जी फिर आ गए राज करने के लिए? राज जी तो आ गए हैं बहुत प्रचंड बहुमत से, और धनबाद की जनता को मैं बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। लगा था कि वो वापस आ रहे हैं जी, राज जी के बारे में कंफर्म थे हम लोग कि राज जी वापस आ रहे हैं। धनबाद की जनता का इतना भरोसा क्यों है राज जी पर, इतना यकीन क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये 24.7 उपलब्ध रहते हैं जनता के बीच में जी। हाँ बागमारा से भी शत्रुघ्न में तो आगे है जी, कैसा लग रहा है वो भी एक सीट जो है? बहुत ही उनको भी बधाई है, बागमारा की जनता को भी बधाई है। जिन सीटों पर भाजपा पीछे रह गई क्या कहना है उसके बारे में? उसके बारे में तो समीक्षा बैठक होगी, उसमें पता चलेगा कि किन कारणों से हम लोग किस जगह पर पिछड़े हैं। आप लोग जो इतने जोर शोर से पटाखे फोड़ रहे, पहले से ही तैयारी थी कि ये सब करना है? जी कुछ सीट तो सर्टेन था जिसमें हम लोग को तैयारी थी, कुछ नेक टू नेक था। तो अभी डांस सब करना है रोड पर? जी 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 जी, अभी प्रत्याशी। सर कैसा जी फिर आ गए राज करने नहीं, के लिए? देखिए राज जी का धनबाद जो था वो पहले से कंफर्म था 100% जी। तो ये कंफर्म किंतु परंतु नहीं, ये कंफर्म कैसे हो जाता है, क्या कारण रहता है जो राज जनता के बीच रहते हैं 24 घंटा, नली गली यहाँ वहाँ जनता के बीच में सेवा करते हैं जी। जो सेवा करेगा अजय दुबे जी, वो 24 में चुनाव हारे दिल्ली चले गए, फिर आए उसके बाद आने के बाद में फिर हारे, फिर दिल्ली चले जाएंगे। जो जनता यहाँ रहेगी, जो नेता यहाँ रहेगा उसको वोट देगी
की जनता। सर एक चीज बताइएगा, सिंदरी से जो है तारा देवी पीछे चली गई, इसके अलावा अभी बागमारा से शत्रुघ्न जी आगे है, कई सीट पर जो है आप लोग लीड कर रहे हैं। धनबाद में जब राज सिन्हा जी हैं, लोग कंफर्म मान रहे थे जीतने वाले, पहले से तैयारी थी? ये जो पटाखे फूट रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पहले से तैयारी थी? जी जी जी। सर उम्मीद था राज्य राज करेंगे, राज करेंगे और जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर धनबाद में हमेशा, जीवन पर्यंत राज सिन्हा जी। क्यों इतनी जनता जो है राज्य को पसंद करती है? ये आप, मैं आम कार्यकर्ता हूँ, बाकी आम जनता से ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक, अजय जी जो है हार गए हैं, क्या कारण लग रहा है? नाम कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी देरी कर दी और अब वो हार भी गए हैं, क्या कारण लग रहा है? कारण तो सभी लोग जान रहे हैं, राज जी हर जगह उपलब्ध रहते हैं। अजय जी सिर्फ हीरापुर में रहते, हीरापुर हटिया में, उनसे उनकी दूरी उतने बार है, मतलब जनता पहचान नहीं पाई, कैंडिडेट को जानती नहीं, नहीं जानती नहीं, उनका लगाव सिर्फ हीरापुर हटिया से है। श्रीराज भैया के लगाव है बोकारो, धनबाद, सिंदरी, हर जगह। झारिया में भी कमल खिल गया, रागनी जी जीत गई, उम्मीद था कि पूर्णिमा जी को पछाड़ करके रागनी जी निश्चित, वो 5 साल से मेहनत कर रही है और इनकी सरकार थी, किनकी? पूर्णिमा सिंह जी का, उन्होंने सिर्फ लोक लुभावना वादा किया। ठीक, ये 5 साल तक क्षेत्र में सक्रिय रही। ठीक, एक चीज मुझे बताइएगा, पूर्णिमा जी दावा करते थे कि वो 5 साल जनता के बीच में खूब काम की, लोग कहते थे कि ईगो वाली मैडम है पूर्णिमा जी, और रागनी जी को बहुत घरेलू और बहुत मिलनसार स्वभाव का। सबसे बड़ी एक में सबसे बड़ी मुद्दा उस तालाब, वो जो झारिया तालाब है और RSP कॉलेज, कहाँ गया कॉलेज, कहाँ गया तालाब, कहाँ गई नली, और झारिया का कूड़ा कचरा, मतलब झारिया की जनता को पूर्णिमा मैडम एकदम उलझा के रखी हुई थी। अब रख नहीं पाएंगे, अब तो आ गई ना, अब आ गई, अब बॉटम और भी साफ होगा। सर जनता जो है पूरी खुश नजर आ रही है, कार्यकर्ता एक्साइटेड है, आप लोग डांस वगैरह करिएगा? निश्चित, लुंगी डांस अब भी होगा, लुंगी डांस सड़क तोड़, अब भी होगा, अब भी होगा, एकदम बढ़िया लग रहा है, हाँ बड़ी बढ़िया। राज जी इसी राज करेंगे, कल ही हम लोग सारा सीट बुक कर दिए थे विजय जुलूस के लिए, मतलब पहले से मालूम था, हाँ हाँ एकदम कंफर्म था कि 50,000 से हम लोग जीत रहे हैं। डांस करना है ना? एकदम डांस करेंगे। कमल का अर्थ सुनिए, कमल का अर्थ क्या होता है? कमल का अर्थ बोलिए बोलिए, करमवीर मिट्टी के लिए, कमल का अर्थ यही होता है, करमवीर मिट्टी के लिए। एकदम उम्मीद था, उम्मीद है और उम्मीद रहेगा। सर राज जी के जीतने का उम्मीद था? एकदम जनता मन बना चुकी थी, और जब प्रचार हो रहा था जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन मैडम आप भी थी, याद करिए, रिमझिम रिमझिम पानी हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के समर्थक उस रिमझिम पानी में भी अपने नेता के लिए खड़े थे, ये बताता है कि राज सिन्हा को उसी दिन हम लोग विजय बना। झारिया से पूर्णिमा जी आउट हो गई है, क्या कारण लग रहा है आप लोगों को? देखिए जनता, सुन लीजिए, जनता मालिक होती है, कोई हम मालिक नहीं है, आप मालिक नहीं है, जनता मालिक होती है, और जनता के हितों के अनुरूप कुछ कार्य छूट गए होंगे, और रागिनी जी लगातार चुनाव हारने के बाद से 5 साल सुबह शाम झरिया के जनता के सेवा में तत्पर रहती थी, कोरोना काल में भी रागिनी जी बहुत खुल करके जनता के बीच रही, गरीबों के बीच अन्न देना, बिस्किट देना, पानी देना, चावल देना, फिर सिंह मेंशन के सामने भी खाना होना बना करके हम लोग भी उसमें शामिल हुए, तो लगातार जो लगी रहेगी उसको जनता आशीर्वाद देगी। बागमारा सीट भी जो है बीजेपी के हिस्से गया, उम्मीद था कि शत्रुघ्न जी आगे रहेंगे? एकदम उम्मीद था, एकदम उम्मीद था। देखिए आप देखिए, लोग विपक्षी कहते हैं कि बागमारा में ऐसे है, ये है, वो है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, तो भैया आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लेकिन आप साबित तो नहीं कर पा रहे हैं ना। हमारे शत्रुघ्न दा, आप एक चीज देखिएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में बता रहा हूँ कि आप उनको जब भी देखिए तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको, एक मुस्कुराता हुआ हसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो इतने संघर्षशील सहज सुलभ शत्रुघ्न मत, और जनता उनको कैसे जीताएगी, हर जगह पूजा पाठ में जाना आना सबसे मिलना, तो शत्रुघ्न महतो जी के अंदर भी जनता को, जनता के बीच उनका एक अच्छा आनंद था, तो जनता ने उनको सर्टिफिकेट दिया जीत का। चलिए धन्यवाद सर, हम थोड़ी देर के बाद जुड़ते हैं, कुछ लोग इधर भी हैं और लगातार जश्न मनाया जा रहा है, जितने लोग हैं उनसे जानना चाहूंगी कितने खुश हैं।
सर